जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, उसके राधे उसे दर्शन अवश्य देते, किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं होता। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं, किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक वक्त का ध्यान रखते हैं। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती है, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो ना केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें ना केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता, किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, मोह माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग है, और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। क्या व्यक्ति अपने को समर्पित करते, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती है, और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट हो। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है।
किंतु मन मौन रहना नहीं चाहता, वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता। प्रतिपद शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पद अधिकार सौंपता हूं, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप स्वयं यहां कैलाश में उपस्थित हैं तो प्रतिदिन का संध्या काल पूजन आपके समक्ष क्यों नहीं होता है? पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त है भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है, उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार